और यहाँ आप देख रहे हैं बेबी पोटैटोज़ आजकल मिल रहे हैं, छोटे आलू, उसको मैंने बॉईल करने रख दिया है, 15-20 ले लीजिएगा, ठीक है। हम चटनी वाले आलू बना रहे हैं। एक पूरी गट्ठी धो के आप धनिया लीजिएगा, हरा धनिया, ठीक है। उसमें आप पुदीना डालिएगा, हरी मिर्चें शामिल करिएगा, ये पुदीना है, ये हरी मिर्चें हैं, लहसुन और अदरक, साबुत जीरा, थोड़ा सा नमक और क्या था, हाँ, लेमन जूस। आलू को नमक के साथ और हल्दी के साथ मैंने बॉईल कर दिया और एक तरफ रख लिया। पानी निकाल दीजिएगा, आधे बीच में से काट लीजिएगा, छिलका नहीं उतारिएगा। और अगर वैसे ही बना रहे हैं और आलू नहीं है, छोटे वाले आलू, तो कोई बात नहीं, फिर आप बड़े आलू से बनाइएगा, उनको 3-4 टुकड़ों में काट लीजिएगा। बेबी पोटैटो से बहुत अच्छे बनता है। ओके, सो वो मैंने कर दिया, बॉईल करके रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना, लहसुन, अदरक, नमक और लेमन जूस और थोड़ा सा पानी, इसको पीस लीजिए। कुकिंग ऑयल, खाने पीने के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। शाताज कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति, घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। अच्छा जी, यहाँ मैं ड्राई रोस्ट कर दूंगी ये सफ़ेद तिल। आपको पता है मैं हमेशा ड्राई रोस्ट करके इस्तेमाल करती हूँ, और किसी ने कहा था कि मैं रिपीट कर दूँ, हमारे किसी फैन ने, व्यूअर ने, कॉलर ने, सॉरी। सो रिकैप कर देते हैं, 15-20 आलू ले लीजिएगा, छोटे वाले आलू, 1 किलो तक ले सकते हैं। बेबी पोटैटोज, छोटे आलू आजकल आ रहे हैं, गर्म पानी में डालिएगा, थोड़ा हल्दी और नमक के साथ बॉईल कर दीजिएगा। बॉईल हो जाएं तो आधे काट लीजिएगा बीच में से इस तरह, लेकिन छिलका रखिएगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा। ये हो जाएगा, उसके बाद आपने उसको छान लीजिएगा पानी, ठीक है। अच्छा, फिर हम शाताज कुकिंग ऑयल हमने गर्म किया और मज़ीद इसमें हल्दी जाएगी, और हमारे पास यहाँ ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, दही है जो बाद में जाएगा बिल्कुल, और ये है हरी चटनी। सो हरी चटनी मैंने कैसे पीसी थी आपके सामने अभी पीसी थी, और ये सफ़ेद तिल जो यहाँ रोस्ट करने हैं, ड्राई रोस्ट करने हैं। सो अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, लेकिन ये ज़रा बहुत गर्म हो जाता है। सो हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और विल पुट दीज पोटैटोज, और इनको अच्छी तरह हम सॉटे कर देंगे, ठीक है जनाब। ये पॉप होने शुरू हो जाएंगे तो इनको निकाल देंगे हम, और आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने फ्रिज में से निकाल दिया है वो दूसरा वाला बोल। अब आलू में ये मसाले सारे अच्छी तरह जब लग जाएंगे तो हमें इसमें चटनी का ये जो पूरा मिक्सचर है, ब्लेंडर में मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी, ओके, पहले तो मैं इसको निकाल दूं, बिकॉज़ ये ब्राउन हो जाते हैं, पॉप हो जाते हैं और फिर ये जलना शुरू हो जाते हैं। सो आप दोबारा इसको एक बोल में निकाल दीजिए ताकि ये पकना बंद हो जाए, ठीक है। ये हो गया, जस्ट मिक्स दिस ऑल वेरी वेल, सारा मसाला इसमें अच्छी तरह लगे, और फिर मैंने यहाँ हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, ज़ीरा साबुत और लेमन जूस और नमक डाला था, थोड़ा सा पानी उसके साथ, एंड आप इसमें ये हरी चटनी पूरी डाल दीजिए। पानी बहुत सारा नहीं यूज़ करिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ दही। अच्छी तरह पूरा यहाँ से निकालिएगा स्पैचुला से, और हम इसको ढांक देते हैं। फुल डन ऑलमोस्ट थे, बट 3/4 एक्चुअली थे, हो जाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे जिसमें हमें दही फेंट के डालना है, और मेरे पास यहाँ सफ़ेद तिल हैं वो जाएंगे, दैट्स इट। और ये चटनी वाले आलू मज़ेदार से रेडी हो जाएंगे, आँच कम कर देते हैं। आपने दही डाल देना है, ठीक है, और इसको मिक्स कर दीजिएगा।